टीकमगढ़ जिला अस्पताल में पदस्थ डॉक्टर के साथ अभद्रता करने का मामला सामने आया है, उसी को लेकर डॉक्टरों ने थाना प्रभारी के नाम सिविल सर्जन को आवेदन सौंप कर बताया कि मरीज के अटेंडर द्वारा ड्यूटी डॉक्टर से अभद्रता, गाली गलौज और सरकारी कार्य में बाधा डाली गई थी। रात 10 बजे के लगभग मरीज खुशबू उर्फ खुशी पटेरिया पुत्री रविंद्र पटेरिया निवासी कुंज बिहारी कॉलोनी के अटेंडरों तथा मरीज के साथ ही आए मयंक सोनी व उनके साथियों के द्वारा 4 दिसंबर को रात्रि 10 बजे जिला अस्पताल टीकमगढ़ में पदस्थ तथा इमरजेंसी ड्यूटी में कार्यरत डॉक्टर सुरजीत राय एवं स्टाफ से शराब के नशे में अभद्रता, गाली गलौज की गई तथा जान से मारने की धमकी दी गई, जिससे शासकीय अस्पताल की कार्य प्रणाली लगभग आधे घंटे तक बाधित रही। इस पूरे घटनाक्रम के बाद अस्पताल के समस्त चिकित्सक अपने आत्मसम्मान में हानि से अत्यंत मानसिक वेदना से गुजर रहे हैं तथा ऐसे भय और हिंसा के माहौल में कार्य करने से भी कतरा रहे हैं। मामले को लेकर मांग की उक्त घटना को संज्ञान में लेते हुए संबंधित लोगों पर अविलंब आगामी कानूनी कार्यवाही की जाए। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। हमारे इमरजेंसी ड्यूटी रूम नंबर 5 जिला अस्पताल टीकमगढ़ में जो डॉक्टर साहब पदस्थ थे उस टाइम पे डॉक्टर सुरजीत रॉय, उनके साथ 4-5 लोगों ने आके बिना कारण के ही शराब के नशे में उपद्रव किया, गाली गलौज की और सरकारी कार्य में बाधा डाली। आधे घंटे तक अस्पताल का काम नहीं हो पाया। उनसे कारण पूछा गया तो वह कारण ही बहस कर रहे थे, कोई पुराना मैटर था, कोई MLC का कुछ मैटर जो भी उनका रहा हो या अस्पताल में ही किसी वजह से कुछ होगा, तो डॉक्टर को फोकस करके और उनको टारगेट करके उनको बाहर बुला रहे थे कि आइए बाहर, आपसे बाहर बात करेंगे। जब डॉक्टर साहब ने बोला कि मैं पेशेंट देख रहा हूँ तो उन्होंने बोला गाली गलौज की। ये सारा मैटर जो है बिना किसी मतलब का है और बिना किसी लॉजिक का है। इस तरीके से अगर बिना किसी मतलब के कोई परेशान करता रहेगा तो हम लोग सारे हॉस्पिटल में डॉक्टर दिन भर काम करते रहते हैं, हम लोग का काम ही ज़िंदगी और मौत से लड़ना है। ऐसे में कोई डॉक्टर अगर डर के काम करेगा तो जन समुदाय का जो हम लोग काम कर रहे हैं वही सफल हो जाएगा और हॉस्पिटल कैसे काम कर पाएगा। इसीलिए हम लोगों ने अपना ज्ञापन बना के सिविल सर्जन महोदय के माध्यम से थाना प्रभारी को दिया है और जो भी लोग थे आइडेंटिफाई हो गए हैं, मयंक सोनी और उनके साथ में 3-4 लोग थे, इनके ऊपर एक्शन लेने के लिए बोला गया है। और हमारे जितने भी साथी हैं डॉक्टर यहाँ पे और हमने प्रदेश लेवल पे भी अपने मध्य प्रदेश मेडिकल ऑफिसर एसोसिएशन से बात की है, तुरंत कार्रवाई ना होने की स्थिति में अगले 48 घंटों के बाद हम लोग पेंड डाउन स्थिति में जाएंगे, जिसके लिए जो हमारी कोई भी जवाबदारी नहीं रहेगी। यहाँ पे सर सुरक्षा गार्ड नहीं थे क्या? जब आप सुरक्षा गार्ड थे तो सुरक्षा गार्ड के ऊपर भी वो लोग गाली गलौज कर रहे थे और सुरक्षा गार्ड के ऊपर भी राजनीतिक दबाव और अपने वर्चस्व को स्थापित करके उनको भी ओवर पावर करने की कोशिश की है। अस्पताल में अगर इस तरीके से कोई अगर इस तरह की वारदात करेगा तो सुरक्षा गार्ड क्या पुलिस भी आके कुछ नहीं कर पाएगी। ये सब चीज़ें होनी नहीं चाहिए, इसके ऊपर स्ट्रिक्ट एक्शन होना चाहिए। अपन लोग एक पढ़े लिखे समाज में रह रहे हैं, शराब पी के अस्पताल आने का कोई औचित्य ही नहीं बनता है। आप अपने घर में बैठ कर इन्जॉय करिए, अस्पताल में आके सरकारी कर्मचारी के ऊपर आप इस तरह का दबाव बना रहे हैं, ये आपकी मानसिकता और आपकी पूरी जो सोच है उसको प्रदर्शित करता है। या तो मास्क लीव पे जाएंगे और हम लोग पेंड डाउन स्ट्राइक करेंगे, हम लोग कोई कार्य नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों ने आपको ज्ञापन सौंपा, किस चीज़ का ज्ञापन सौंपा? हाँ, कल क्या हुआ था कि इमरजेंसी ड्यूटी में हमारे यहाँ पे डॉक्टर सुरजीत राय ड्यूटी पर थे, तो उनका बताना है कि कुछ कुल 4 या 5 लोग शराब के नशे में आके उनके साथ बदतमीजी की और अनावश्यक दबाव बना रहे थे और कुछ झगड़ा करने का प्रयास कर रहे थे, जिससे डॉक्टर साहब नए हैं वो काफ़ी तनाव में आ रहे थे। तो सभी डॉक्टर्स ने समय समय पर हमारे अस्पताल में इस तरह के घटनाक्रम होते हैं उसके लिए सुरक्षा की मांग की है, एक ज्ञापन दिया है कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में रिपीट ना हो। तो डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए नाइट ड्यूटी में असामाजिक तत्व यहाँ पर अक्सर भी बात करते रहते, इसके लिए ज्ञापन दिया है। तो इसमें क्या क्या मांगें लिखी हैं? इसमें अभी जो कल का घटनाक्रम हुआ है उसके बारे में है कि उनके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाए और डॉक्टर्स ने 48 घंटे का थोड़ा अल्टीमेटम दिया है कि अगर ऐसी घटनाएं बार बार होंगी तो हमें मजबूर होकर हड़ताल पर जाना होगा। सर कौन है ये लोग जो असमस्त हैं शराब में? वो हम लोगों ने आइडेंटिफाई नहीं किया है अभी, ये पुलिस को अभी हम लोगों ने विशेष में आवेदन दिया है उसके लिए, उसकी जाँच चल रही है जी। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।